नमस्कार दोस्तों, तम्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कद्दूकस किया हुआ नारियल चाहिए, जो मैंने पहले से तैयार कर रखा है। सबसे पहले इस नारियल को जार में डालकर एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट अच्छा बने इसलिए थोड़ा सा पानी मिलाएं। ये देखिए, नारियल का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर अलग रख दें। अब कढ़ाई गर्म करें, उसमें 2 चम्मच घी डालें। घी गर्म होने के बाद इसमें 8 से 10 पीस काजू फ्राई करें, जब तक कि यह हल्का भूरा ना हो जाए। ये देखिए, काजू अच्छे से फ्राई हो चुका है, हल्के भूरे रंग का हो गया है। अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल लें। इसी कढ़ाई में नारियल का पेस्ट बनाया था, उसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद 50 ग्राम के लगभग गुड़ मिलाएं, चलाते हुए अच्छी तरह फ्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये देखिए, इसका रंग भी भूरा हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए काजू, दूध, ये 1 कप के लगभग लिया है मैंने, और साथ में 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी मिलाएं। अब इसे चलाते हुए 2 से 5 मिनट तक पकाएं। ये देखिए, हमारा ये नारियल का डेजर्ट पूरी तरह पक चुका है। इसे अलग बर्तन में निकाल लें। नारियल के छोटे टुकड़ों से गार्निश करें और परोसें।